नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शिवा ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आर्मी की एक बहुत बड़ी भर्ती के बारे में। तो आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है दोस्तों कि लॉकडाउन के कारण जो इंडियन आर्मी की भर्तियों के लिए पोस्टपोन कर दिया गया था, वो भर्तियां दोबारा से शुरू होना हो चुकी हैं और आज हम उन्हीं में से एक भर्ती के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस समय हम हैं इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पर, आप देख सकते हैं यहाँ पे। अगर हम यहाँ पे दोस्तों JCOR एंट्री में यहाँ पे लॉगिन करें तो आप देखेंगे यहाँ पर कितनी ज़्यादा वैकेंसीज निकल चुकी हैं आर्मी के अंदर। ठीक है, यहाँ पर ये साइट खुलने में थोड़ी सी परेशानी होती है। अगर एक बार में नहीं खुले तो आप इसको दो बार ट्राई करें, तीन बार ट्राई करें, ये खुल जाती है। देखिए, ये सभी भर्तियां दोस्तों जो है वो निकल चुकी हैं। ठीक है, तो अभी हमने इसमें से ही एक भर्ती की जो है नोटिफिकेशन को ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ है, उसके बारे में आपको बताते हैं। तो दोस्तों, ये जो भर्ती है इसमें सोल्जर टेक्निकल और सिपाही डी फार्मा आर्मी मेडिकल कोर के लिए, इन दोनों की ट्रेड पे भर्ती निकली हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सिपाही डी फार्मा आर्मी मेडिकल कोर। तो सिपाही डी फार्मा आर्मी मेडिकल कोर में दोस्तों आपको भर्ती होने के लिए आपकी जो एज लिमिट होनी चाहिए वो 19 से 25 साल होनी चाहिए। आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 अक्टूबर 1995 से 30 सितंबर 2001 के बीच में होना चाहिए। आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर, वेट आपका 50 kg और चेस्ट आपका 77 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, इस भर्ती में अप्लाई करने के लिए आपको 10+2 यानी कि इंटरमीडिएट एग्जाम पास होना चाहिए। उसके बाद में आपके पास में जो इंटर में सब्जेक्ट होना चाहिए वो दोस्तों फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश, ये चार सब्जेक्ट होना आपके पास में इंटरमीडिएट में जरूरी है। इन चारों सब्जेक्ट के साथ साथ आपके पास में डी फार्मा का डिप्लोमा होना चाहिए जिसमें आपको 50% मार्क्स या उससे अधिक मार्क्स मिले हों। ठीक है, ये है दोस्तों इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो अगर आप ये क्राइटेरिया पूरा करते हैं तो आप सिपाही डी फार्मा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इस भर्ती के दोस्तों जो ऑनलाइन आवेदन है वो आज से 8 अगस्त 2020 से 22 सितंबर 2020 तक चलेंगे। तो 8 अगस्त 2020 से 22 सितंबर 2020 के बीच में आप कभी भी इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपने आपको ये नहीं पता है कि आपको भर्ती के टाइम पे कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की टाइम पे आपको कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी, ठीक है, उसके बाद में आपके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना कैसे है, तो उसके लिए मैंने दोस्तों पहले ही एक वीडियो बना के रखी हुई है। अगर आप चाहें तो इस वीडियो को देख सकते हैं आई बटन में, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो सिपाही डी फार्मा की बात हो चुकी है दोस्तों, अभी हम बात कर लेते हैं सोल्जर टेक्निकल नर्सिंग असिस्टेंट। ठीक है, तो सोल्जर टेक्निकल नर्सिंग असिस्टेंट AMC/NAVET। ठीक है, तो जो NAVET की जो वैकेंसीज होती है दोस्तों वो RVC के लिए होती है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम नर्सिंग असिस्टेंट की भर्ती की बात कर लेते हैं दोस्तों। इसकी भी जो एज लिमिट है वो 17.5 साल से 23 साल है, और जो सिपाही डी फार्मा की होती है उसकी 19 से 25 साल होती है। ठीक है, तो इसकी 17.5 से 23 साल तक आपकी एज लिमिट है। 1 अक्टूबर 1997 से 1 अप्रैल 2003 के बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। हाइट आपकी 170 सेंटीमीटर, वेट आपका 50 kg और चेस्ट आपका 77 सेंटीमीटर होना चाहिए। इस भर्ती में अप्लाई करने के लिए आपको 10+2 यानी कि दोस्तों इंटरमीडिएट एग्जाम पास होना चाहिए, और आपके पास में इंटरमीडिएट में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश, ये चार सब्जेक्ट होना जरूरी है। इन चारों सब्जेक्ट में आपके 50%, सॉरी जो इंटरमीडिएट है इसमें आपके 50% से ओवरऑल मार्क्स कम नहीं होने चाहिए, और किसी भी सिंगल सब्जेक्ट में 40 मार्क्स से कम नहीं होना चाहिए। और इंटरमीडिएट पास इसमें दोस्तों आपके पास में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी एंड इंग्लिश विद मिनिमम 50% मार्क्स, और किसी भी सिंगल सब्जेक्ट में वही सेम 40% मार्क्स से कम नहीं होना चाहिए। तो अगर आपके पास में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश में से कोई भी सब्जेक्ट नहीं है तो आपके पास में ये सब्जेक्ट अगर होंगे तब भी काम चलेगा आपका। ठीक है, तब भी आप इस भर्ती में अप्लाई कर सकते हैं। तो ये है दोस्तों फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी एंड इंग्लिश, अगर आपके पास में ये चार सब्जेक्ट हैं तो भी आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट दोस्तों हम इस भर्ती की फिजिकल रिक्वायरमेंट के बारे में आपको बता देते हैं। कैंडिडेट्स विल बी टेस्टेड एज स्टेटेड बिलो। तो आपका जो फिजिकल स्टैंडर्ड होगा वो हम आपको अभी बताना चाहते हैं। फिजिकल फिटनेस टेस्ट एट रैली साइट, मतलब जिस दिन आप रैली साइट को जाएंगे भर्ती देखने को जाएंगे उस दिन आपसे चार तरह के फिजिकल टेस्ट लिए जाएंगे। सबसे पहले आपकी 1.6 किलोमीटर की रनिंग होगी। सेकंड में आपसे वीम लगवाए जाएंगे, मतलब पुलअप्स। थर्ड में आपसे दोस्तों 9 फेटिज और 4 जिगजैग बैलेंस। आर्मी में केवल इतने ही चार फिजिकल ही होते हैं, रनिंग, बीम, 9 फेटिज और जिगजैग बैलेंस। उसके बाद में दोस्तों अगर आप 1600 मीटर की रनिंग को 5:30 में पास करते हैं तो आप आएंगे ग्रुप वन में, और ग्रुप वन के लिए यहाँ पे 60 मार्क्स दिए जाते हैं। और अगर 1600 मीटर की रेस आप 5:31 से 5:45 के बीच में पूरी करते हैं तो आपको मार्क्स मिलेंगे 48। ठीक है, तो ये दो होते हैं ग्रुप, ग्रुप वन और ग्रुप टू। ग्रुप वन के लिए 60 मार्क्स और ग्रुप सेकंड के लिए 48 मार्क्स दिए जाते हैं। उसके बाद में दोस्तों आपसे क्या है, पुलअप्स लगवाए जाएंगे। तो अगर आप 6 पुलअप भी लगाएंगे तो भी आप पास हो जाएंगे, डरने की जरूरत नहीं है कि 10 पुलअप्स ही चाहेंगे, मुझसे तो 10 पुलअप्स लगते नहीं है। तो अगर आप 6 पुलअप भी लगा पाते हैं तब भी आप पास हो जाएंगे, लेकिन आपके लिए यहाँ पर नुकसान होगा मार्क्स का। तो आपको अगर 6 पुलअप लगाएंगे तो आपको 16 मार्क्स मिलेंगे, अगर 7 लगाते हैं तो आपको 21, 8 लगाते हैं तो आपको 27, 9 लगाएंगे तो 33 और 10 लगाएंगे तो 40 मार्क्स आपके लिए दिए जाएंगे। ठीक है, ये है दोस्तों पुलअप्स के मार्क्स। उसके बाद में 9 फिट डिच और जिगजैग बैलेंस को आपको नीड टू क्वालिफाई करना है, इसके लिए आपको कोई भी मार्क्स नहीं लिया जाता है। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों हम आपसे बात करेंगे कि इसके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, 8 अगस्त 2020 से और 22 सितंबर 2020 के बीच में इसके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे। तो आज है दोस्तों 8 अगस्त 2020, तो आज से ही इसके जो है वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट जो मेन पॉइंट है वो होता है यहाँ पर कौन सी एआरओ की रैली है। तो ये जो दोस्तों भर्ती है वो कोटा एआरओ की भर्ती है। ठीक है, रैली नोटिफिकेशन कैंडिडेट्स अजमेर, बरन, बूंदी, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, झालावार, कोटा एंड राजसमंद 2020-21। तो अगर आप इन डिस्ट्रिक्ट्स के रहने वाले हैं तो आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट्स को मैं आपके लिए और बता देना चाहता हूँ, यहाँ पर भी दिया हुआ है डिस्ट्रिक्ट का नाम, अजमेर, बरन, बूंदी, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, झालावार, कोटा एंड जैस, यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों, यहाँ थोड़ा सा छुप गया है, राजसमंद। ठीक है, तो अगर आप इन डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं राजस्थान के तो आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस भर्ती के दोस्तों जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 8 अगस्त 2020 से 22 सितंबर 2020 के बीच में स्टार्ट हो चुके हैं, और आपकी रैली की डेट और रैली की साइट आपकी जो ईमेल आईडी होगी उस पर आपको एडमिट कार्ड के द्वारा बता दिया जाएगा। ठीक है, वैसे जो निर्धारित की गई है रैली की डेट दोस्तों वो निर्धारित की गई है अभी तक 7 अक्टूबर 2020 से 31 मार्च 2021, मतलब 7 अक्टूबर 2020 से 31 मार्च 2021 के बीच में ये भर्ती कभी भी आ सकती है, लेकिन कब होगी आपको डरने की जरूरत नहीं है। इसकी लोकेशन, एग्जैक्ट डेट, ठीक है, जो भी है पूरी जानकारी दोस्तों आपको एडमिट कार्ड पे दे दी जाएगी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही था दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल सिवा ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।